हाँ हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपने दीवार में प्लास्टर किया, तो प्लास्टर का हम लोग क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। मतलब जो भी हमारा प्लास्टर में जो मटेरियल यूज होगा, मान लीजिए वाटर, सीमेंट और सैंड, इसका हमारा कैसे कैलकुलेशंस होता है वो सब देखिए आज। तो सबसे पहला चीज़ आप जान जाइए कि प्लास्टर का जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट जो होता है वो जनरली मेरा मीटर स्क्वायर में हम उसका देते हैं, ठीक। मेजरमेंट तो हम यहाँ पे आपको एक ज़ूम किए, मान लीजिए आप 1 मीटर बाई 1 मीटर की, 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर विड्थ की हमारी एक दीवार ले रहे हैं, वहाँ पे हमको मान लीजिए प्लास्टर करना है। तो प्लास्टर करने के लिए हमारे कुछ ना कुछ हम लोग थिकनेस का प्लास्टर करते हैं, जनरली मान लीजिए 12 mm हो गया, 15 mm हो गया, 18 mm हो गया, फर्स्ट कोट, सेकेंड कोट प्लास्टर, 6 mm का भी होता है। तो हमने यहाँ पर ज़ूम किया है, मान लीजिए जो प्लास्टर हमने किया है ये हमारी 12 mm की है, 12 mm का हमने प्लास्टर किया है थिकनेस का, और जो हम इसका रेशियो जो है ज़ूम किए हैं 1:6 का मेरा रेशियो है। हाँ तो 1:6 का रेशियो हम लोग इसमें ज़ूम किए हैं। तो देखो सबसे पहले अब हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग पहले वॉल्यूम निकालेंगे, हमारा कितना इसमें वॉल्यूम, जो भी हमारा मोटर जो यूज़ होगा सीमेंट सैंड का, वो हमारा टोटल इसमें कितना वॉल्यूम आएगा। तो वॉल्यूम का हम लोग फार्मूला जानते हो, एरिया इंटू थिकनेस, ये सारा मीटर में हम लोग कंसिडर करेंगे। तो एरिया, तो एरिया के लिए क्या होगा मेरा, लेंथ इंटू विड्थ, या इसको हाइट ले लो जो भी, थिकनेस, ये हमारा एरिया आ गया। मान लो 1 मीटर बाई 1 मीटर कंसीडर किए हैं तो 1:1, थिकनेस हमारी कितनी है 12 mm की है, तो 12 mm को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.012। तो ये टोटल मेरा वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटर जो बना, वॉल्यूम ऑफ मोटर जो हमारा बना, ये कितना है 0.021 mm³। तो ये जो हमारी जो यहाँ वॉल्यूम निकलती है, ये हमारी क्या होती है, ये मेरा वेट वॉल्यूम होता है। लेकिन हम जो मटेरियल जो हम लोग उसमें डालेंगे वो तो पहले हम लोग ड्राई लेंगे, तो ड्राई क्योंकि वेट वॉल्यूम में हमारा क्या होता है, हमारा जो सैंड में जब हम पानी मिलाते हैं तो वो मेरा बल्किंग हो जाता है। बल्किंग मीन्स क्या होता है मेरा, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द सैंड। मतलब मान लो तुम सैंड की क्वांटिटी कुछ लिए हो, तो आफ्टर एडिंग द वाटर वो बल्क होके ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ड्राई वॉल्यूम लेंगे। ड्राई वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्यू टू बल्किंग 33% इंक्रीज इन द वेट वॉल्यूम, वेट वॉल्यूम में हम लोग 33% को इंक्रीमेंट करते हैं। ये हमारा IS 456-2000 में दिया हुआ है कि बल्किंग के लिए हम लोग कितना इंक्रीज करते हैं, जनरली 30-35% इंक्रीज करते हैं। तो हमें 33% इंक्रीज किया है ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए। तो ड्राई वॉल्यूम में हम लोग 33% इंक्रीज कर देंगे, मीन्स 33/100, तो 1 × इतना हम लोग करेंगे, जो भी उसका आएगा 33% इस टोटल वॉल्यूम ऐड कर देंगे। तो डायरेक्ट हमने क्या किया, 1.33 × 0.012, मीन्स टोटल ये हमारा ड्राई वॉल्यूम आ गया 0.01596। तो अब हमारा देखो, ये जो भी मोटर है ये किस रेशियो में है, 1:6। 1 करने का मीन्स 1 पार्ट हमारी सीमेंट है, तो इसमें 6 पार्ट इसकी सैंड लगेगी। तो टोटल सीमेंट मोटर कितना पार्ट का है, 1+6 7 पार्ट्स है, जिसमें 1 पार्ट सीमेंट है, 6 पार्ट्स मेरा सैंड है। अब हम लोग इंडिविजुअल निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट। मान लो इस टोटल वॉल्यूम है सीमेंट वॉल्यूम का हमारा कितना पार्ट्स है, ये 1 पार्ट्स है, टोटल 7 है, 1/7 × टोटल ड्राई वॉल्यूम, टोटल ड्राई वॉल्यूम इतना आया 0.01596 × 1/7 = इतना mq आ गया। ये हमारा सीमेंट किस में निकला, mq में निकला, वॉल्यूम में। तो हमारा वेट ऑफ सीमेंट कैसे निकालता है, जनरली तुम लोग पढ़े हो गए डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम पता है और डेंसिटी हमारी सीमेंट की तुम्हें कोड से निकाल लोगे या कोड में दिया रहता है, जनरली हमारा लेते हैं हम लोग 1440 kg/mq, वो हमारी डेंसिटी होती है। तो यहाँ से हमारा वेट निकल जाएगा, वेट ऑफ सीमेंट वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये सीमेंट का वॉल्यूम इतना है, सीमेंट की डेंसिटी हमारी ड्राई डेंसिटी होती है कितनी 1440, इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो आएगा हमारा 3.28 kg, मीन्स सीमेंट का वेट हमारा कितना आ गया 1 मीटर स्क्वायर बाई 1 मीटर स्क्वायर का है। यदि हम 12 mm थिकनेस का प्लास्टर करेंगे तो उसमें हमारा सीमेंट यूज होगा उसमें हमारा 3.28 kg आएगा। अब हमारा आ जाओ वॉल्यूम ऑफ सैंड, मतलब टोटल ड्राई वॉल्यूम हमारा सैंड का कितना पार्ट्स है, 6 पार्ट्स है, 6/7 × टोटल ड्राई वॉल्यूम, ये हमारी निकल के आएगी 0.01368। तो यहाँ से हम लोग इसका वेट निकाल लेंगे, सेम वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम हमारी कितनी निकली है यहाँ पे 0.01368 mq, ये हमारी mq आएगी, ये वॉल्यूम की मेरा यूनिट होती है। डेंसिटी जनरली हम लोग लेते हैं 1600 से 1800 के बीच में, 1500 से 1800, तो हम लोग यहाँ 1600 कंसीडर किया है, 1600 kg/mq। तो यहाँ से हमारी वेट आ गई इसकी 21.66
21.88 केजी, यानी यहाँ से हमारे निकल गए वॉल्यूम ऑफ सैंड। लेकिन तुम जनरली साइट पे जाओगे तो साइट पे हम लोग जो सैंड जो हम लोग मेज़र करते हैं जनरली केजी में नहीं, तुम्हारा सीएफटी में मेज़र करते हैं। तो जनरली हमारा एक फार्मूला होता है 1 MQ में जनरली हमारा 35.315 सीएफटी होता है। सीएफटी मीन्स क्यूबिक फीट, तो इसको हम लोग सीएफटी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.48 सीएफटी आएगा। तो हमारे यहाँ से क्या क्या निकल गई, तुम्हारी सीमेंट की क्वांटिटी निकल गई, सैंड की क्वांटिटी निकल गई। अब हम निकालेंगे हमारा इसमें वाटर कितना लगेगा ना, 1 मीटर बाई 1 मीटर के यदि हम प्लास्टर करते हैं 12 mm थिकनेस की, तो इसमें हमारा कितना वाटर रिक्वायर्ड होगा। तो जनरली कोड सजेस्ट करता है वाटर रिक्वायर्ड जो होता है 20% ऑफ वेट ऑफ टोटल ड्राई मटेरियल। इस दोनों का जो ड्राई मटेरियल निकला इसका टोटल वेट का 20% जो आएगा वो मेरा वाटर आएगा। तो 20% मीन्स 20/100 इंटू वेट ऑफ द सीमेंट कितना है 3.28 केजी, और वेट ऑफ हमारी सैंड कितनी आई है 21.88 केजी। तो यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी आएगी कितना 5.032 लीटर। मीन्स हमारा इतना करने के लिए, हमारा प्लास्टर करने के लिए हमारी जो वाटर रिक्वायर्ड होगी इसमें 5.032 लीटर वाटर का हमारा रिक्वायरमेंट आएगा। तो इसी तरह से दोस्तों हम लोग प्लास्टर का क्वांटिटी को निकालते हैं। ये जनरली आप लोग पढ़े होंगे एस्टिमेशन की बुक है, उसमें बी.एन. दत्ता की बुक आती है, उसमें आपका दिया हुआ रहता है। जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट होंगे सब देखे होंगे। ये जनरल लोगों के लिए है, आप देख के आराम से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक जनरल लोग भी इसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए घर बनवा रहे हो आप, आपको इतना आइडिया नहीं है, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर या कॉन्ट्रैक्टर ने आपको लूट लिया, तो आप क्या कीजिएगा। आपको भी कम से कम सिविल की एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्या है नहीं है, नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर के भरोसे तो आप कुछ छोड़ नहीं सकते हो। तो ये हमारी प्लास्टर की क्वांटिटी इसी तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कभी भी। तो वीडियो को देखिएगा बार बार, कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताइएगा।